यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने उसे उसमें सेंटेंसेस बनाने हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज महद अली एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। वेल टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आईएलटीएस वंस अगेन। एज यू ऑल नो दैट आईएलटीएस हैज फोर डिफरेंट टेस्ट्स, फोर डिफरेंट मॉड्यूल्स, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आज जिस खास मॉड्यूल की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज राइटिंग मॉड्यूल। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सर राइटिंग मॉड्यूल के हवाले से, B1 के हवाले से वीडियोस बनाइए। तो B1 बेसिकली एज यू नो के वर्क परमिट के लिए यूज होता है। जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं UK में, तो उसके लिए आपको B1 टेस्ट क्लियर करना होता है। B1 के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आपके पास IELTS है, आप लैंग्वेज सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप UK में है तो आप ट्रिनिटी कॉलेज का टेस्ट कर सकते हैं। देयर आर सेवरल ऑप्शंस दैट यू कैन यू नो गो फॉर। और ये सभी जो टेस्ट्स हैं, ये सेपरेटली इनके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट पैटर्न्स हैं। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पैटर्न आपको टेस्ट की तैयारी करनी होती है। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। जो हम बात कर रहे हैं IELTS जनरल ट्रेनिंग की, बेसिकली IELTS जनरल ट्रेनिंग टेस्ट जो है, ये UK VI या कोई भी आप अगर फॉर एग्जांपल जनरल ट्रेनिंग IELTS करते हैं, तो इसमें आप वर्क परमिट के लिए या वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आप स्टडीज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसके लिए एकेडमिक टेस्ट चाहिए होता है, एकेडमिक IELTS करना होता है। अब चूंकि आप अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जनरल ट्रेनिंग टेस्ट करना है। तो इसमें बेसिकली डिफरेंट लेवल्स होते हैं। लेवल्स किस तरह से हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2, और हर लेवल जो है वो डिफरेंट यू नो कैटेगरी ऑफ वीज़ा के अकॉर्डिंग जो है आपको अचीव करना होता है। अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको B1 लेवल जो है वो अचीव करना होता है। और B1 लेवल के लिए अगर आप स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप वर्क परमिट के लिए वैसे वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 4 स्किल्स वाला टेस्ट चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स होती हैं, 4 स्किल्स होती हैं। 4 स्किल्स का आपको टेस्ट चाहिए होता है। आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली राइटिंग मॉड्यूल के हवाले से, और राइटिंग मॉड्यूल को ही हम डिस्कस करेंगे जनरल ट्रेनिंग IELTS के हवाले से। देखें, एकेडमिक IELTS हो या आपका जनरल ट्रेनिंग IELTS हो, ये चीज़ याद रखें कि आपका राइटिंग मॉड्यूल जो है वो 1 आवर का होता है। यानी टोटल टाइम राइटिंग मॉड्यूल का जो आपने टेस्ट वहाँ पे करना है, दैट इज़ गोइंग टू बी 1 आवर। अब इस 1 घंटे को आपने इस तरह से डिवाइड करना है कि आप दोनों टास्क को, जो कि इसमें टास्क होते हैं राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2, इन दोनों को आप अटेम्प्ट कर सकें। बेसिकली राइटिंग मॉड्यूल के अंदर 2 टास्क होते हैं, राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2। और राइटिंग टास्क 1 जो है वो शॉर्टर होता है, राइटिंग टास्क 2 जो है वो थोड़ा सा लेंथियर होता है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप 20 मिनट्स राइटिंग टास्क 1 पे स्पेंड करें और 40 मिनट्स आप राइटिंग टास्क 2 पे स्पेंड करें। राइटिंग टास्क 1, अगर हम जनरल ट्रेनिंग की बात करें, तो राइटिंग टास्क 1 जनरल ट्रेनिंग में डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू राइटिंग टास्क 1 इन एकेडमिक टेस्ट। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर, इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एन एकेडमिक IELTS, देन राइटिंग टास्क 1 इज गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट? यहाँ पे आपके पास जनरल ट्रेनिंग टेस्ट है। अब जनरल ट्रेनिंग टेस्ट में आपके पास जो राइटिंग टास्क 1 है, दैट इज अ लेटर राइटिंग। इसके अंदर आपको एक लेटर लिखना होता है। अब ये लेटर जो है, एक प्रॉपर आपको स्टेटमेंट दी जाती है, आपको प्रॉपर एक सिचुएशन बताई जाती है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे कहा जाता है नाउ यू हैव टू राइट डाउन द लेटर। उसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं, आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपना लेटर लिखते हैं। अब लेटर को आपने 20 मिनट्स में जो कम्प्लीट करना है, ये वहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू कम्प्लीट योर राइटिंग टास्क इन जस्ट 20 मिनट्स। दिस इज एडवाइस्ड टाइम। ये टाइम लिमिट जो है, ये बेसिकली एक एडवाइस्ड टाइम लिमिट है। यानी अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो अच्छे से आप उसे टाइम को मैनेज कर सकेंगे 1 आवर को। क्योंकि आप देख सकते हैं कि राइटिंग टास्क 1, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ लेंथियर। अब राइटिंग टास्क 1, एज आई टोल्ड यू, इट इज शॉर्टर देन राइटिंग टास्क 2। राइटिंग टास्क 1 की जो वर्ड लिमिट है, दैट इज 150 to 180 words, वेयर एज इन राइटिंग टास्क 2, वेयर यू हैव टू राइट एन एसे, योर वर्ड लिमिट इज फ्रॉम 250 words to 280 words। आपको 250 से लेके 280 वर्ड्स के दरमियान रह के काम करना है। इसी तरह से राइटिंग टास्क 1 के अंदर आपको 150 से लेके 180 वर्ड्स तक आपको लिखना है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि राइटिंग टास्क जो 1 है आपका, जो लेटर राइटिंग है, वो छोटा है। मींस कि इसमें आपको कम टाइम चाहिए, इसमें आपको कम वर्ड्स लिखने हैं, जबकि राइटिंग टास्क 2 में आपको ज्यादा वर्ड्स लिखने हैं। इसीलिए ये राइटिंग टास्क 2 जो है थोड़ा सा लेंथियर राइटिंग टास्क 2 है। अब राइटिंग टास्क 1 जो है, इसमें एज यू नो दैट यू हैव टू राइट डाउन अ लेटर। अब लेटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। इट कैन बी अ फॉर्मल लेटर और इट कैन बी एन इनफॉर्मल लेटर। चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, आपने उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज को चूज करना है
और उसके अकॉर्डिंग आपने उसे उसमें सेंटेंसेस बनाने हैं और उसमें आपने जो राइटिंग आपका मटेरियल है वो आपने फीड करना है। इसी तरह से अगर आप राइटिंग टास्क टू की बात करेंगे तो इसमें आपके पास एक एसे है, आपको एसे लिखना है और ये एसे आप 40 मिनट्स में लिखेंगे। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू फिनिश दिस एसे इन 40 मिनट्स, इट इज़ एडवाइज्ड एज आई टोल्ड यू। आप अगर राइटिंग टास्क वन को जल्दी कर लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम है राइटिंग टास्क टू को देने के लिए। इसी तरह अगर आप राइटिंग टास्क वन पे 20 मिनट्स की जगह आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं तो आपके पास राइटिंग टास्क टू में कम टाइम बचेगा। इसीलिए आपने टाइम को मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग इन IELTS एग्जाम। अब लेट्स टॉक अबाउट एसे नाउ। अब एसे जो है वो आपने 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है। इसमें आपके पास 250 टू 280 वर्ड्स हैं, ठीक है। ओवरऑल आपका जो कंप्लीट राइटिंग मॉड्यूल है ये 1 आवर का होगा। इंशाल्लाह राइटिंग टास्क वन को और राइटिंग टास्क टू को मैं मजीद वीडियोस के अंदर इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा और प्रॉपरली इसको बताऊंगा कि किस तरह से आप राइटिंग टास्क वन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइटिंग टास्क टू में किस तरह से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज अबाउट IELTS एंड अबाउट ऑल द इंग्लिश टास्क, बी लिंक्ड, बी कनेक्टेड विद माई यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर द IELTS एग्जाम और फॉर एनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्स which are English exams like Trinity College or A1, B1, any source of exams, you can, you know, feel free to contact with me on the given number that is on the screen. आप अगर preparation करनी है या आपको किसी भी तरह की help चाहिए, आप मुझे किसी भी time contact कर सकते हैं। I would make sure that I reply you as soon as possible. Thank you so much for watching. See you next time. Allah Hafiz.